टॉप 10 सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको गल्फ से लेकर के तमाम, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं और आपने जो पढ़ाई किया हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं इंटरव्यू पास करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ड्यूटी करते समय एक सेफ्टी ऑफिसर को साइट पर कितने तरह के रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड डज ए सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर व्हाइल ऑन ड्यूटी? तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका जो जवाब होगा कुछ इस तरीके से होगा, कार्य करते समय एक सेफ्टी ऑफिसर को प्रमुख रूप से 8 तरह के रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, जैसे एक्सीडेंट रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, एब्सेंस रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड, मेंटेनेंस रिपोर्ट रिकॉर्ड, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिकॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट रिकॉर्ड, सेफ्टी कमेटी मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड। While working a safety officer need 8 types of record like accident record, medical record, absence record, risk assessment record, maintenance report record, safety representative inspection report record, audit report record and safety committee meeting minutes record। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होना चाहिए। आप जिसमें देना चाहें जवाब, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी देना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। आपका राइट आंसर स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? साइट पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्यों डेवलप किया जाता है? व्हाई सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डेवलप ऑन साइट? तो आपका जवाब होगा, कार्य के दौरान रिस्क को कम करने के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है। सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आर डेवलप्ड टू रिड्यूस रिस्क ड्यूरिंग वर्क, आपका ये आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन तो वो पूरा सेफ सिस्टम SSOW का पूरा डिटेलिंग्स और वगैरह बताने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर जो होता है वह काफ़ी इरिटेट होने लगता है, वो जो पूछता है वो कोई बता नहीं पाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आप जवाब दीजिए, इधर उधर की बात न बताएं तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। वर्कप्लेस पर SSOW आप कैसे डेवलप करेंगे? यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जाता है, चाहे आप फायर सेफ्टी ऑफिसर हो या आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, ये कोई भी सेफ्टी ऑफिसर हो, ये क्वेश्चन आपको, ये सभी क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। किसी भी साइट पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करने के लिए सबसे पहले टास्क को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरनमेंट, हजार्ड और रिस्क पर विचार करते हुए अगला कदम बढ़ाएंगे। इन इंग्लिश, टू डेवलप ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एट एनी साइट वी विल फर्स्ट आइडेंटिफाई द टास्क एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप कंसिडरिंग पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल, एनवायरनमेंट, हजार्ड एंड रिस्क। तो ये रहा आपका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। इंटरनल इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है? व्हाट इज एन इंटरनल इंफॉर्मेशन सोर्स? तो जवाब कुछ आपका इस प्रकार से होगा, इंटरनल इंफॉर्मेशन सोर्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम साइट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और अनचाहे समस्याओं से बच पाते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड, एब्सेंस रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शन रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट, कमेटी मीटिंग मिनट्स रिकॉर्ड। इंटरनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हैं जो हमें साइट की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सेफ्टी ऑफिसर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स का प्रयोग क्यों करता है? व्हाई डज द सेफ्टी ऑफिसर यूज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स? तो आपका आंसर होगा, जवाब होगा, अनचाहे रिस्क से बचने के लिए एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सोर्स जैसे कि नेशनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, मैन्युफैक्चरर्स नेशनल कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज और
ट्रेड एसोसिएशन इत्यादि। तो आप एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन का प्रयोग क्यों किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, और सीधा सा जवाब आपका होगा अनचाहे रिस्क से बचने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सेफ्टी के लिए एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉयर फॉर सेफ्टी। एक एम्प्लॉयर की यह लीगल ड्यूटी है कि वह साइट पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के साथ वेलफेयर की सुविधा प्रदान करें। इट इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वेलफेयर फैसिलिटीज विद एन ऑन साइट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका जवाब आपका इस तरीके से होना चाहिए। आप इस तरीके से और भी जवाब दे सकते हैं जो आपको लगभग इंटरव्यू पास कराने के लिए सफिशियंट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक सेफ्टी ऑफिसर से, रिस्क असेसमेंट और SSOW में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क असेसमेंट एंड SSOW। आप SSOW का मतलब सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है, तो इसका जो जवाब होता है, रिस्क के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए रिस्क असेसमेंट की सहायता ली जाती है, जबकि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क में रिस्क को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। रिस्क असेसमेंट सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का ही एक हिस्सा है। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा, आप डिफरेंस भी बता पाएंगे और उसके बारे में भी बता पाएंगे। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कुछ इस तरह से होता है, रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। हर एक सेफ्टी ऑफिसर से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर एक इंटरव्यू में, रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू टू रिड्यूस द रिस्क। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके का होना चाहिए, रिस्क को कम करने के लिए साइट पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप किया जाता है, इसके अंतर्गत साइट इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट और कंट्रोल मेजर आते हैं। टू रिड्यूस द रिस्क, ए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इज डेवलप ऑन साइट विच इंक्लूड्स साइट इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, आपका जवाब कुछ इस तरीके से होगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, रोकथाम के सामान्य सिद्धांत क्या हैं। जी हाँ, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। वह कार्य जो हमें किसी नुकसान से बचाव के लिए पूरी तरह से सहायता प्रदान करता है, उसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं। इसके अंतर्गत एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आते हैं। The work that provides us with full support to prevent any damage is called general principle of prevention, which includes elimination, substitution, engineering control, administrative control, personal protective equipment. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर एक एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। एग्जाम है या फिर आपका जॉब इंटरव्यू है, गल्फ के लिए हो या दुनिया के किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, ये सवाल जवाब आपसे ज़रूर किए जाएंगे, आप इससे बच नहीं पाएंगे। तो आपका जवाब कुछ इस तरीके से आप तैयार रखें, और ताकि आपको सफलता मिल सके, आपको सक्सेस मिल सके। अब बारी है अगले क्वेश्चन के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब कुछ जवाब आपका इस तरह से होगा, अक्सर आपने सुना होगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे या स्टडी कर रहे होंगे उस समय आपको ये सारी चीज़ें मिलती। अब इस चीज़ को हम डिफरेंस ज़रा समझते हैं, इसका क्या डिफरेंस है। सब्स्टिट्यूशन अर्थात एक तरह का उपाय होता है, जब हम किसी हजार्ड को पूरी तरह से हटा नहीं पाते तो उसके लिए आवश्यक उपाय करते हैं, यह उपाय ही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। एलिमिनेशन अर्थात पूरी तरह से हटा देना या समाप्त कर देना होता है, जैसे यदि किसी हजार्ड से रिस्क जनरेट हो रहा है तो हम उस हजार्ड को ही हटा देते हैं, हजार्ड को हटाना ही एलिमिनेशन कहलाता है। सब्स्टिट्यूशन इज ए काइंड ऑफ
remedy. When we don't completely remove a hazard, we take necessary measure for it. This measure is called substitution. Elimination means removal or elimination. For example, if a risk is generated from a hazard, we remove that hazard. Removal of the hazards is called elimination. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका कुछ जवाब इस तरीके से होगा. तो आप समझ पा रहे हैं, आज हमने बात किया 10 क्वेश्चन के बारे में, और ये 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. चाहे आप कोई भी सेफ्टी ऑफिसर हों, या आप फ्रेशर हों, या फिर एक्सपीरियंस भी रखते हों, तो इस तरीके का अगर आपका कुछ जवाब होता है, सवाल जवाब होता है, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिलेगा. ये 10 क्वेश्चन जरूर याद रखिए. एक नज़र में हम सभी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे. पहला क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड डज ए सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर व्हाइल ऑन ड्यूटी. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब. अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है लिखने में, समझने में, तो आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद से लिखना शुरू कर दीजिए. इसी तरह से साइट पे सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्यों डेवलप किया जाता है. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि SSOW सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है. पहली बात तो होता है रिस्क, दूसरा हजार्ड, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल मेजर. यही 5 चीज़ें जो होती हैं हर एक सेफ्टी के ऑफिसर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है. और इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रखते हैं, तो फिर आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, और आप बेहतर तरीके से आप परफॉर्म कर पाएंगे और जॉब कर पाएंगे. दूसरी बात, तमाम तरह के और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ये जो 10 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर एक सेफ्टी ऑफिसर से पूछा जाता है. तो इस 10 क्वेश्चंस को जानिए और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाइए. आप निश्चित रूप से पास होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. सेफ्टी के लिए एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी. अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि सेफ्टी के लिए एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लोग एम्प्लॉयर की वो पूरी ड्यूटी बताना शुरू करते हैं इस एक्ट के अंतर्गत. डियर स्टूडेंट, ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो पूछ रहा है कि केवल उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दीजिए. तो बहुत ही शॉर्ट में अगर हम कह देते हैं कि एक एम्प्लॉयर की यह लीगल ड्यूटी है कि साइट पर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. अगर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क आपने वर्ड यूज़ किया, तो इसमें आपका इंस्पेक्शन आ जाएगा, इसमें आपका जो है रिस्क असेसमेंट आ जाएगा, इसमें कंट्रोल मेजर आ जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. और थोड़ा हट के बात कर लेते हैं, तो इसमें आ जाएगा इसके वेलफेयर. तो ये दो ही चीज़ हैं जो एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो प्रोवाइड करता है. ठीक है, और इसी के लिए बाध्य करता है वह नियम, वह कानून. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिस्क असेसमेंट और SSW. अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिस्क असेसमेंट और SSOW में क्या अंतर है. दोनों तो एक ही काम है. रिस्क असेसमेंट रिस्क को जानने की प्रक्रिया है, और SSOW रिस्क को कम करने की प्रक्रिया है. सीधी सी बात है, अगर इस टर्म्स को आप जानेंगे तो आप बेहतरीन कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे. डियर स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा आपसे रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करेंगे. तो रिस्क को कम करने के लिए दो ही चीज़ें आती हैं, अगर एक पर मैं फोकस करूं सबसे ज़्यादा मेनली, तो वो होता है SSOW यानी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. इसके अंतर्गत आपका इंस्पेक्शन आ जाएगा, साइट इंस्पेक्शन आ जाएगा, और कंट्रोल मेजर्स वगैरह आ जाएगा. यही तरीका है. अब देखिए, ये आता है ना प्रिंसिपल, जो आता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, किसी भी चीज़ के लिए क्या सिद्धांत होते हैं, तो उसके लिए ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपने देखा यहाँ पे. वह कार्य जो हमें किसी भी नुकसान से बचाव के लिए पूरी तरह एक इंस्ट्रक्शन या हेल्प देता है, करता है, उसे हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन कहते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि इसका यूज़ आप कहाँ पे कर रहे हैं. आप जहाँ भी करेंगे, हेल्थ सेफ्टी से कर रहे हैं, फायर सेफ्टी में कर रहे हैं, फूड सेफ्टी में कर रहे हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों पे आपको कंसिडर करना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे. कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा और फिर आपके सामने परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी. सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, यह वर्ड भी आपके साथ ठीक उसी तरह से चलता है जैसे कि आपका साया चलता है. सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, क्या उपाय करें, इसको हटा नहीं सकते, तो क्या करें, सब्स्टिट्यूट लगाओ. ठीक है, चलो एलिमिनेट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वो चीज़ें समाप्त हो गई. लेकिन साइट पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसे नहीं हटा सकते, तो वहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन का ही यूज़
करना पड़ता है। तो आपने देखा ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए, चाहे गल्फ का इंटरव्यू यूएई के लिए हो, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप थोड़ा समय दीजिए, 10 मिनट का टाइम दीजिए, 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम दीजिए, फिर आप देखिए कि आप में कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और आप बेहतर कर पाते हैं। इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।